और इस बीच किसानों की अगर बात की जाए तो आज शाम सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा प्रदर्शनकारी इसे लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बताइए कि अब जिन मांगों को लेकर आप निकले थे, कई दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार से, कुछ बात तो आगे बढ़ी है पर अभी पूरा हल नहीं निकला है दोनों की सहमति के लिए। फिर से आज शाम को बैठक है, क्या लग रहा है कि कुछ समाधान निकलेगा? हमें पूरा आस है इस बात की, हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, जिसको हमने चुन के, हमने वोट डाल के चुना हुआ है, वो हमारी बात सुनेंगी। हमारी मांग जो है, हमारी मांग नहीं हम मांगवाने आए हैं, हम ना कोई मांगने आए हैं, हम केवल आए हैं इस बार जो हमारी मांगें पिछले आंदोलन में सरकार ने मान ली थी उनको लागू करवाने के लिए आए हैं। इन्होंने पिछले आंदोलन में जो दिल्ली में 13 महीने का हमने सड़कों पे बैठ के सरकार से बातचीत की, उसके बाद हमारे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया आके कि हमने आपका मांग मान ली है, लेकिन उसको अभी तक 2 साल बीत गए लागू नहीं किया है। और अब हम उनसे फिर बेनती करने जाए हैं कि वो जो मांगे आपने हमारी मानी थी उनको लागू कर दीजिए प्लीज। और एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच फिर बातचीत होगी। पिछली 3 बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला है। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं और सरकार के बीच आज चौथे दौर की वार्ता होगी। उम्मीद है कि इस बार की बैठक में कोई रास्ता निकल सकता है। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कई दिनों से डेरा डाल रखा है। हरियाणा में आज भारतीय किसान यूनियन के चढ़ोनी गुट की अगुवाई में किसान मजदूर संगठनों और सरपंचों की महापंचायत होगी।